दोस्तों हमारे बॉलीवुड का एक रूल है कि अगर किसी स्टार के पास स्टारडम है तो उसको अपने फिल्म में हिट करवाने के लिए एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस एक्टर की सिर्फ पॉपुलैरिटी ही लोगों को सिनेमा घरों तक खींच लाती है। और वही दूसरी तरफ अगर किसी एक्टर के पास स्टारडम नहीं है तो वह चाहे कितना ही अच्छा एक्टर क्यों ना हो, फिर भी उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती है। और फिर इसी वजह से एक्टर्स हमें फिल्मों के अंदर लीड रोल की जगह पर साइड रोल या फिर छोटे छोटे रोल्स करते हुए नजर आते हैं। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर काबिलियत होने के बावजूद उसे वो मुकाम नहीं मिला जिनके वो हकदार है। हम बात कर रहे हैं रणदीप हुड्डा की, जो अपने कैरेक्टर के अंदर तक जाने के लिए अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से अपने आप को कंकाल तक बना लेते हैं। और ऐसा इन्होंने कोई पहली बार नहीं किया है, इस तरीके का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो कई बार कर चुके हैं। जहां एक तरफ बॉलीवुड के लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं या फिर फिल्म के लिए असली मूंछें तक नहीं उगा पाते, आमिर खान तो दंगल फिल्म के लिए अपने वजन को 80 किलो तक ले आए और फिर वापस से सिक्स पैक एप्स तक पहुंचे। और वास्तव में एक फिल्म के लिए ये भी काबिले तारीफ है। तो अगर आप देखें कि वजन को बढ़ाकर वापस वजन को घटाना उतना मुश्किल नहीं होता, पर अपने नॉर्मल वेट से अपने आप को 26 किलो कम करके कंकाल बना लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और हेल्थ के लिए काफी खराब भी है। रणदीप हुड्डा दिखते भी बहुत स्मार्ट हैं और एक्टिंग भी जबरदस्त करते हैं, तो ऐसा क्या है कि कई बार कई फिल्मों में नजर आने के बावजूद आज तक रणदीप हुड्डा स्टार की कैटेगरी में नहीं पहुंच पाए, जबकि ये सारे एफर्ट सुपरस्टार के कैटेगरी के होते हैं। इनकी आने वाली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म के लिए इन्होंने अपने वजन को 26 किलो घटाया है, जिसके लिए 4 महीने तक इन्होंने केवल खजूर और दूध की डाइट ली। ऐसा करने में इन्हें इतनी कमजोरी आ गई कि ये चल भी नहीं पाते। और साल 2014 में भी रणदीप हुड्डा ने सबर जीत के लिए इसी तरीके का डेडिकेशन दिखाया था और 28 दिन के अंदर 18 किलो वजन कम किया था। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने अपने सर का मुंडन आगे की तरफ से भी करवाया है और बीच में से भी करवाया है, ताकि ये पूरी तरह से वीर सावरकर की तरह दिख सकें। आपको याद होगा कि साल 2001 में मीरा नायर की फिल्म आई थी मानसून वेडिंग, उसी फिल्म से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और साल 2014 में आलिया भट्ट के साथ इन्होंने एक फिल्म की थी हाईवे, और इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर स्टारडस्ट अवार्ड भी मिला था। इनफैक्ट बॉलीवुड में इन्हें जितना ज्यादा पसंद किया था उससे भी ज्यादा इन्हें हॉलीवुड में पसंद किया गया। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी एक्सट्रैक्शन, जिसमें थॉर फिल्म के हथौड़े वाले भैया जिनका नाम है क्रिस हेम्स, इनके साथ इन्होंने फिल्म में बेहतरीन काम किया था। पर फिर भी दोस्तों 47 साल की उम्र में भी इतने डेडिकेशन के साथ काम करने के बावजूद भी स्टार ना बनने की बहुत बड़ी वजह है नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखना। इनके पापा एक सर्जन है और मम्मी एक सोशल वर्कर है, मतलब कि इनकी फैमिली फिल्मी बैकग्राउंड से आते ही नहीं है, और इसलिए इन्हें फिल्मों में लंबे रोल नहीं मिलते हैं। और इसी वजह से फाइनली अपने आप को एक बेहतर मौका देने के लिए इन्होंने खुद फिल्म डायरेक्ट की है और खुद से ही स्वतंत्र वीर सावरकर बना रहे हैं। जहां रणदीप हुड्डा किसी भी रोल में घुसने के लिए वो बहुत सारा वेट गेन कर लेते हैं और कई बार जरूरत पड़ने पर कंकाल तक के रूप में पहुंच जाते हैं, ऐसा डेडिकेटेड एक्टर 47 साल की उम्र में भी स्टार बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, कई ऐसे स्टार सन हैं जो लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद बड़ी बड़ी फिल्मों में एज ए लीड काम कर रहे हैं। तो क्या आप रणदीप हुड्डा को इनकी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सपोर्ट करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और रणदीप हुड्डा आपको कैसे लगते हैं ये भी बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।